न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। गाड़ी चलाने वाले गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ में बाइक चोर पकड़ाए, ट्रेन में छेड़छाड़ का वीडियो हुआ वायरल। आइए देखते खबरें विस्तार से। गाड़ी चुराने वाले हुए गिरफ्तार। नागपुर में मानकापुर पुलिस ने जयहाती नगर इलाके से एक दोपहिया गाड़ी को मोबाइल चुराने वाले आरोपी को गिरफ्त में लिया है। आरोपी जयतिंस नगर प्लॉट नंबर 82 निवासी संजय गोविंद राव ठाणे हैं। उसके पास से पुलिस ने चोरी की दोपहिया व 6 मोबाइल और 1.5 ग्राम सोने की चैन सहित 1,30,000 रुपये का सामान जब्त किया है। फरियादी अजीज खान की भतीजी ने बुधवार 8 मई की सुबह अपनी दोपहिया मानकापुर चौक स्थित विकास भवन की पार्किंग में खड़ी की थी। शाम को गाड़ी चोरी होने का पता चलने पर पुलिस की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस को जांच में संदिग्ध संजय के वाहन चोरी होने से लिप्त होने का पता चला। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसे चोरी कबूल की। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ से बाइक चोर पकड़ाए। नागपुर में अपराध शाखा के वाहन चोरी प्रतिबंध दस्तक ने छत्तीसगढ़ से बाइक चुराने वाले पायडी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर संबोधित पुलिस टीम के सुपुर्द किया है। आरोपी पायडी शिवनगर निवासी गणेश महेश धनकर हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के बेमेतर सिहोगुरी इलाके में 22 मार्च से शाम 7 बजे से फरियादी गोकुल प्रसाद सखीराम दुर्व की बाइक अज्ञात आरोपी के खिलाफ चुराई की थी। शिकायत के तरफे बेमेतरा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ट्रेन में छेड़छाड़ का वीडियो हुआ वायरल। नागपुर में कथित तौर पर नागपुर पुलिस दल से संबोधित एक महिला पुलिसकर्मी ने चलती ट्रेन में साथी दो पुलिसकर्मियों द्वारा शराब पीकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। साथ ही संबोधित वीडियो वायरल होने की भी चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है। कथित वीडियो में शराब पीकर दूसरी महिला के साथ भी बदतमीजी करने की बात कही जा रही है। यह पुलिसकर्मी नागपुर से पुणे चुनाव के लिए रवाना होने की बात कर रहे हैं। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।